अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ कहीं से भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं खुश आबाद होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फजल बनाए रखे इस पाक महीने के सदके, आमीन या रब। तो जी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं बेसन के पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो बेसन मेरा फिनिश हो गया था, पुराना जो मीन के पिछला था, तो अभी मैंने ये नया मतलब मंगाया और इसकी मैं जो है ना शॉपर को खोल भी रही हूँ साथ। और जी साथ में स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सलमान भाई का, जो बहुत मतलब बड़े यूट्यूबर भी हैं और बहुत नाइस और बहुत काइंड पर्सन है, उनका मैं थैंक यू, दिल से थैंक यू उनका बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बाहर कहे इतना मुझे सपोर्ट किया और इवन कि अपनी कम्युनिटी भी है, मेरे चैनल का भी मींस के लिंक दिया। तो बहुत शुक्रिया, दिल से आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सी कामयाबियाँ दे। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और उनके कई सब्सक्राइबर ने मुझे ज्वाइन किया मेरे चैनल को। जी आप सबको मोस्ट वेलकम, उम्मीद है इंशाल्लाह ये खूबसूरत जो जर्नी है हम मेरी आप देखेंगे और आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए आप सबको इंटरटेन कर सकूँ और आपको मींस के अगर आप देखें तो आपको लगे कि वाकई जी हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हमें कुछ कुछ सीखने को और कुछ अच्छा देखने को मिला है। और आप देख रहे हैं कि साथ साथ ये मैं जी पकौड़ों की मसाला रेडी कर रही हूँ। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से ये हमारा बेसन मैंने रेडी कर लिया, ये देख रहे हैं आप। और अब मैं इसके अंदर जो है ना पालक ऐड करूँगी, उसमें मैंने आपको दिखाया था पालक, मैंने इस तरह जो है ना इसको कवर करके रख दिया था फ्रिज में काट के, इस तरह ये ख़राब नहीं होती। ये देखें अभी तक, ये देखें ये दो दिन रहने के बाद भी कितनी हरी हरी लग रही है, ये देख रहे हैं अभी अभी मैं इसको वॉश करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी ये देखिए मैंने बैंगन, आलू और प्याज कट करके रख लिया और उधर वॉश कर लिया, ये भी पालक। और ये हमारा जी क्या कहते हैं बेसन रेडी हो चुका है और देखें जी इस वक्त चमक रहा है। तो बस ये तैयारी मुकम्मल कर लिया, अभी मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ। तो बाकी बस ऐसा ऐसा जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें जी स्टॉल रेडी हो गया है, किस किस ने पकौड़े लेने। तो ये जी अभी मैं सबसे पहले आलू वाले पकौड़े डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि ये देख रहे हैं आप कितने मेरे हाथ जलाए हुए हैं इस तेल के चक्कर में। तो बस मेरे काम भी जल्दी जल्दी के फिर ऐसे ही होते हैं, यकीन करें बड़ा मुझे भी बुरा लगता है और दाग भी ऐसे फिर पड़ते हैं इनके कि जाते भी नहीं है ना। तो ये जी ये इसलिए मुझे याद आ गया क्योंकि हर रमज़ान में ना ये इसी तरह मेरे ड्रामे होते हैं, ये वाले भी हाथ जलाने वाले भी साथ साथ आप लोगों के साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जी मैं सबसे पहले आलू वाले डालने लगी हूँ क्योंकि ये ज़रा अच्छे रहते हैं ना, पाँच बाद में भी ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। और आप सुनाएं आप सबके रमज़ान कैसा गुजर रहा है, उम्मीद अच्छा ही गुजर रहा होगा सबका, अल्लाह ताला हम सब पे आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब। और ये भी बताएं कि कल की वीडियो आपको कैसी लगी, बस हंसी मजाक में थोड़ा काम लंबा हो गया था लेकिन यह है कि उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप भी अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है मेरे चैनल पे, कि आप ये कुकिंग देख देख के ज़्यादा बोर तो नहीं हो जाते। मतलब वही बात है कि मेरा भी अभी स्टार्टिंग टाइम है, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है कि जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो क्या चीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, मतलब ब्लॉगिंग बाहर जाना आना या कुकिंग हो गई या सारा कुछ मिक्सअप जिस तरह का मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर आप मैंने बैंगन ऐड किए हैं क्योंकि आज मैंने कहा बड़े दिन हो गए बैंगन वाले पकौड़े नहीं खाए, तो ये भी आपको पता है यार बड़े मज़े के बनते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी, जगह है काफ़ी जगह है। और मैं तो खुद ही हंस रही थी, मैंने कहा सब सोचेंगे कि भाई इसे ये रोज़ ही पकौड़े खाना शुरू है, मैं क्या करूँ जी। अब एक हमें आदत बनी हुई है, कुछ लोगों को वैसे नहीं भी है लेकिन शायद हमारे घर में ज़्यादा बनते थे, हमें तो है आदत, सच्ची जो बात है। मैं तो कोई शाजो नाजर दिन होगा जब मैं पकौड़े ना बनाऊँ, वरना मेरी डेली की रूटीन है कि मैं पकौड़े लाजमी बनाती हूँ। ऐसे ज़रा अच्छा लगता है कि ज़रा मिजाज फ्रेश हो गया, ऊपर से जब चाय पी लें तो और ही थकावट सारे दिन की जो होती है ना रोज़े की लगता है उधर की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कम से कम आप और ना से इतना ज़रूर बताया करें कमेंट में कि आप कहाँ से हैं, किस कंट्री से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे आइडिया हो
वो कहते हैं ना, बस मैं तो बस बना के लगता है डाल ही रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं। खैर मुझे इंडिया से भी काफ़ी लोग देखते हैं जी, और जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच, वेलकम मेरे चैनल में, और आपको दिल से वेलकम है। क्योंकि मुझे कमेंट्स भी मेरी जो है ना पर्सनली मुझे कमेंट्स आए हैं, क्योंकि मेरी भांजी इंडिया से है तो वो भी मुझे बता रही थी कि उनकी नाना, उनकी मामा, आंटियां सब मेरा व्लॉग देखती हैं बड़े शौक से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जी आप सबको दिल की गहराइयों से मेरा भी अस्सलाम वालेकुम आपको, और रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फजल करे, और आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी सऊदी अरेबिया में लाए और आपको अपना अल्लाह ताला अपना घर दिखाएं, आमीन या रब। तो ये देखें जी, ये साथ साथ अब मैं इसका वेट करूँगी, और थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको इसकी जो है ना चेंज करूँगी साइड। ये देखें जी आस्ता आस्ता ये हो रहे हैं ब्राउन, इनको चेंज करूँगी। बाकी यकीन करें कई दफ़ा परदेश में इंसान परेशान भी हो जाता है, लेकिन परदेश भी अच्छी चीज़ होती है। मैं तो पर्सनली मैंने ये फील किया कि इंसान बहुत कुछ आके दूसरे कंट्री में सीखता है, हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, हमारी कम्युनिकेशन होती है। What you done? अच्छा लिपस्टिक लगाई है? अरे टॉयज़ टॉयज़ ढूंढो ना आप, किधर आपके टॉयज़ हैं? तो शांजी आ गई थी, मेरी बात रहेगी, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ पे, देखें जब हम किसी दूसरे कंट्री में आते हैं वहाँ पे बहुत से लोगों के साथ हम अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स के अट्रैक्ट कह गई हूँ, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे का कल्चर, ज़ुबान, रंगो नस्ल, मज़हब, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ों का एहतराम हम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मीन्स के मुझे लगता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो मज़ीद डिवेलप होती है, और आपकी जो कमियाँ होती हैं वो आप किसी अच्छे की कोई अच्छाई दे के, किसी और की कोई अच्छाई दे के आप भी उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि परदेश भी अच्छा होता है, इंसान बहुत कुछ सीखता है, इंसान अपने माशरे में रह के भी सीख सकता है, लेकिन जो चीज़ आप परदेश में आके सीखते हैं आई थिंक इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। अभी मैं आपको बाहर का भी व्यू करवाऊंगी, देखिए प्यारा शाह वाला पौधा छोटा सा, और देखें जी इसके अंदर मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है, और ये जी हमारे अब आ गए हैं गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े कहेंगे वैसे ये भी होते हैं, हाँ आलुओं वाले पकौड़े, बैंगन के पकौड़े ऐसे बोलते हैं ना इसको, देख रहे हैं आप। ये मैं इसको निचोड़ दूँ पालक को, और अब मैं डालूँगी जी ये देखें आप, ये मैंने आधा प्याज डाला और आधी इसके अंदर पालक डाल के मिक्स कर दूँगी, फिर बाद में इसको फिटा ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर। लेमन नहीं मैंगो, मैंगो मैंगो है, जल्दी जल्दी करते हैं। मैंगो हस्बैंड के साथ फ्रेंड भी आए हैं तो वो कह रहे हैं ग्रुप चैट रेडी करो पीछे से, वो देखो निकालो, मैं अभी तुम्हें टोकरी देती हूँ सारी चीज़ें निकाल के रखो, खोलो इसको। तो जी यहाँ पे मैं फ्रूट कट कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था, तकरीबन 15 मिनट रह गए थे, तो उसके अंदर फिर मैंने मतलब दो चार काम रह गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लेट आए घर में, तो फिर मैं जल्दी जल्दी ये फ्रूट कट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जी फ्रूट चाट बना रही हूँ, और उसके अंदर ये मैंने क्रीम और दही ऐड किया, और इधर जी मैं समोसे, ये मेरे हस्बैंड बाहर से बने हुए लाए थे तो समोसे रखे, उसके बाद जी मैं बनाऊँगी चटनी। तो ये देखें पुदीने के अंदर मैंने दही डाल के इसके ऊपर मैं डालूँगी नमक, और इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो पुदीने की पहले आप फ्रीज़ कर देते ना वो बना के क्या नाम है क्यूब सी, तो उसका बड़ा जो है ना फ़ायदा हो जाता है। तो ये जी फटाफट मैंने चटनी रेडी की, और उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं सोच रही थी कि क्या मैंने को अब और करना है, तो टाइम बिल्कुल हो चुका था, तो जल्दी जल्दी हमने दस्तरखान लगाया, और ये आप देख रहे हैं ये सारा मतलब जो भी अफ्तारी का सामान था, तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने अपने मतलब फ्रेंड के साथ, बच्चों ने भी उनके साथ अंकल के साथ बैठ के अफ्तारी की। तो उम्मीद है ये आज की एंड वाली जो जल्दी जल्दी रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी आज की अफ्तारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आल्सो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।